यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल के धर्मशाला में राजकीय अध्यापक संघ की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रीति सिंह राणा ने की। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से नए ट्रांसफर एक्ट को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर ट्रांसफर एक्ट बने तो इसे सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अध्यापकों के लिए अलग से ट्रांसफर नीति नहीं बनाई जाए और पुरानी पेंशन भी बहाल की जाए। वही कार्यक्रम के दौरान मौजूद स्टेट सह अध्यक्ष सुभाष पठानिया ने सरकार से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हुए कहा कि अगर 2008 में शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो सकती है तो 2003 के बाद के कर्मचारियों की भी पेंशन लागू होनी चाहिए। आज सबसे पहले तो एनपीएस के ऊपर आज पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के ही दिन जो नई पेंशन स्कीम थी उसको लॉन्च किया गया था और जिसके विरोध में पूरे देश में काले बिल्ले लगाकर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पीछे जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक बोझ है जिस कारण 2003 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं हो सकती है, परंतु हम पूछते हैं कि अगर इतना ही आर्थिक बोझ है तो आज जो सांसदों के भत्ते 1,90,000 रुपये कर दिए, वो उसका अब आर्थिक बोझ जो पड़ेगा वो पैसा कहाँ से आएगा। मेन मुद्दा था आज का जो टीचर ट्रांसफर एक्ट बन रहा था उस पर चर्चा करनी थी सभी खंड प्रधानों और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की ओर से। तो क्या इसमें मेन मुद्दे थे? हाँ, इसमें हमें समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि सरकार ने वो न्यू ट्रांसफर टीचर एक्ट पर काम करना बंद कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, तो हम इसका स्वागत करते हैं।